अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सज़ा के लिए जो वाक़ियात अहादीस में मौजूद हैं वो बयान किए हैं, भेजा है मैसेज, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। बिल्कुल दुरुस्त है, तौहीद रिसालत का मुर्तकिब होने वाला वाजिबुल क़त्ल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैसेज के आखिर में लिखा है गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तो ये याद रखिए कि किसी की कोई एक नेकी उसके शिर्क अकबर के गुनाह को नहीं धो सकती। मुमताज़ कादरी बरेलवी था, इसमें कोई शक नहीं। कल ही मैंने उसकी एक तस्वीर देखी जो इनका नात खां वैस कादरी नातें पढ़ रहा है और वो उसके पीछे खड़ा हुआ है, और वो ख़ुद भी कन्फर्म गाली बरेलवी था, हनीफ कुरैशी के नमाजियों और शागिर्दों में से था। तो अगर उसने किसी गुस्ताख रसूल को कत्ल किया तो उसका ये मायना नहीं है कि वो अब शहीद भी हो गया और वो रहमतुल्लाह अलैह के दुआया कलिमात का हकदार भी हो गया, जिसका हकदार सिर्फ अहले ईमान में मोमिन मुवाहिद हुआ करते हैं, अहले ईमान हुआ करते हैं। तो किसी मुशरिक को और किसी बिदअती को शहीद के लकब से बतौर दुआ भी नहीं नवाजा जा सकता, और ना ही उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की जा सकती है। शिर्क अकबर वो गुनाह है जिसको जिसकी मौजूदगी में बड़ी से बड़ी नेकी भी रायगा जाती है। लिहाजा इफरात व तफरीत से बचते हुए किसी की मोहब्बत के अंदर इतना गुल्फ ना करें कि आप उसके शिर्क के जुर्म को छोटा कर दें और उसके इस अमल को बड़ा कर दें। दुनिया जहान की नेकी करने वाला भी शिर्क अकबर की मौजूदगी में जहन्नम रसीद होगा और उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। लिहाजा हमें तौहीद के असूल को नहीं भुलाना चाहिए कि जो मुशरिक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह का गुस्ताख है। जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह के अल्फाज गाता है अजानों से पहले, ये आवाज़ें अपनी ज़ुबान से निकालता है, तो वो गुस्ताख रसूल के जुर्म से बड़ा जुर्म गुस्ताखी इलाहुल आलमीन की कर रहा है, रब्बुल आलमीन की कर रहा है। तो हम शिर्क के जुर्म को इस कज़िये के अंदर भुला ना दें कि उसने जो शिर्क का जुर्म किया है वो बहुत बड़ा है, उसकी मौजूदगी में उसकी कोई नेकी भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। ला यग़फ़िरु अन युशरक बिह, ये मेरे मौला का फ़ैसला है कि मैंने शिर्क के गुनाह को कभी माफ़ नहीं करना। लिहाजा तौहीद की गैरत, तौहीद का अकीदा वो सामने रखें, और अहले शिर्क का यही जुर्म इतना बड़ा है कि अहले तौहीद उनके लिए कभी भी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज नहीं कह सकते, उनको शहीद के दुआया लकब से भी नहीं पुकार सकते कि अल्लाह उनकी मौत को शहादत की मौत बनाए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह मालिक की गुस्ताखियों और तौहीन और अल्लाह के शान के अंदर दस्तराजी वो हर अजान से पहले करने को अपना ईमान समझते हैं। वल्लाहु आलम।